वेलकम बैक, मैकेनिकल स्पीडिंग में आपका स्वागत है। अभी टेक्निकल पेपर के बारे में मैंने इन्होंने वीडियो बनवाया था, वो शायद आपको प्रोवाइड करा दिया होगा या करा देंगे जल्दी। तो इस अभी मैं मेंस के लिए जो दो बाकी के दो बचते हैं, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन दो पेपरों के बारे में बताऊंगा। अब ये दो पेपर हैं, ये दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के हैं, ये दोनों दोनों पेपर। तो इनमें आपको पता ही है सारे मोस्टली टेक्निकल जिनका साउंड होता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी थे हमारे साथ के उनके 130 आ रहे थे टेक्निकल में एक पेपर में, लेकिन वो हिंदी में फेल हो गए या सोशल एस्पेक्ट में फेल हो गए। ऐसे बहुत के थे हमारे दोस्त, टेक्निकल में अच्छा स्कोर किया था लेकिन हिंदी में वो 35% भी मार्क्स नहीं लेकर आए। कोई आधे नंबर से रह गया, कोई एक आधे नंबर से रह गया, एक से रह गया, कोई दो से रह गया, कोई पांच से। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि पेपर आप इनमें ही अगर फेल हो गए, 35% मार्क्स नहीं लाए तो सिलेक्शन फिर आप लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाओगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको हिंदी में, आप इतना तो कैसे हिंदी में, और इस पर जुगाड़ हो आपके पास होने का। अब ये 100-100 मार्क्स के क्वेश्चन है और आरपीएससी में जो मार्किंग होती है हिंदी में, आप कितना भी अच्छा लिखोगे ना तो मार्क्स थोड़े वो टाइट हैंड रखते हैं। मेरे खुद के 42 मार्क्स आए थे 100 में से, सोशल आर्ट्स में थोड़ा नहीं, हिंदी में सॉरी हिंदी में मेरे करीब 56 मार्क्स आए थे और सोशल आर्ट्स में मेरे 42 आए थे। मतलब मैं भी बाउंड लाइन के इधर उधर बचा था क्योंकि हमें उस टाइम मटेरियल प्रोवाइड नहीं था, कुछ बुक्स वगैरह आती नहीं थी, फिर कहीं इधर उधर से पता करके, कुछ संजीव से पानी करके आती है सोशल एस्पेक्ट की बुक, तो उसमें से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। और हिंदी की तो पता ही है, राजस्थान में हिंदी बोर्ड में चलता ही हिंदी, हिंदी ग्रामर की कोई भी ऑथेंटिक बुक ले लें। वैसे राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है 9th से 12th की, हिंदी ग्रामर है सारी उसमें, तो वो पढ़ लें, वो भी सफिशियंट है मतलब बुक्स के बारे में। तो ये हो गया, अभी मैं आप एक एक पेपर लेके बताता हूँ आपको कैसे कैसे स्ट्रेटजी रखेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो जैसे क्वेश्चंस के बारे में, इसमें भी वही सेक्शंस हैं और इन्होंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, उसमें डिटेल में बताए हुए हैं सेक्शन पेपर में क्या 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 आएगा, क्या क्या सेक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस कर ली। और सोशल एस्पेक्ट्स का भी इन्होंने खुद से मैटर तैयार किया है, इधर उधर से खोज खाद के, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट का मैटर है नहीं, तो सब कुछ इन्होंने खुद मेहनत करके मेरे को दिखाया था, ठीक है इसको बताओ सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आपको वो उसका सिलेबस करा ही देंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको कैसे लिखेंगे हिंदी में, पहले हिंदी में। अब हिंदी में सिलेक्शन कैसे होगा और आपको कम से कम मार्क्स कैसे, मतलब स्कोरिंग भी करना है क्योंकि ये भी मेरिट में जुड़ेगा, इसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं और फेल होने से बच जाएं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हिंदी में क्या है, जो ग्रामर है करीब 30 मार्क्स की। देखो हिंदी में क्या है, अब हिंदी में राइट कही होगी तो लिखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद आएंगे, और लेकिन पेपर हिंदी का है तो इंग्लिश निकली नहीं उसमें, हिंदी में लिखना है, तो ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। जल्दी से इंग्लिश में लिख दोगे फिर वो काटना पड़ेगा, तो एग्जामिनर देख लेता ना इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है तो गुस्सा हो जाएगा, यार ये तो बड़े इनको हिंदी में लिखना नहीं आता। तो ये चीज़ थोड़ी सोच के चलनी है। तो अब इसमें क्या है, जो ग्रामर का पार्ट है ना 30, इसमें संधि है, समास है, इसमें ब्लूम शब्द वगैरह हैं, तो ये क्या एक ही अब संधि है, संधि में लिखा हुआ है समथिंग, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये सही लिख दिया तो आपको मार्क्स देगा पूरे वो, इसमें काटने का चक्कर नहीं है, क्योंकि संधि है, संधि जब सही है तो पूरे मार्क्स देगा, एक नंबर में आया, दो नंबर में आया। तो ये स्कोरिंग है आपके लिए हिंदी ग्रामर पार्ट में, आप नंबर ला सकते हो, मतलब इसमें आप नंबर और इसमें आपके 25 नंबर भी आ सकते हैं, 27 भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मुहावरे वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज रहती है, तो वहाँ वो आधा नंबर काट लेते हैं कई बार। तो ये चीज ग्रामर में, बाकी संधि समास विग्रह और ये सारी चीजें इसमें आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो हिंदी का ये ग्रामर तो आप कवर ही कर लें, ग्रामर का जो भी सिलेबस है, बाकी ये सिलेबस है वो देख के ग्रामर जरूर पढ़े। ऐसा नहीं कि निबंध आ रहा है हमारा, निबंध आ रहा है, निबंध 20 मार्क्स का निबंध आ रहा है तो निबंध पढ़ लेंगे, 50 मार्क्स का 20 सेक्शन है उसको पढ़ लेंगे, 70 में से 30-35 तो ले आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं मार्क्स निबंध में भी आपको 20 में से 5 ही टिका देगा कोई, और वहाँ 50 उसके भी राइटिंग वाले पार्ट्स में हिंदी में मार्क्स आते नहीं है, क्योंकि आधे वैसे ही आरपीएससी मार्क्स देती नहीं है, इजीली टाइट एंड करती है, तो लेकिन इस वाले पार्ट्स में वो आप टाइट एंड नहीं कर सकते, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर होते हैं इसमें, टू द पॉइंट लिखोगे टू द पॉइंट, क्योंकि संदीप समास विलोम सब वो फिक्स रहते हैं कि इसका यही है, तो उसमें कोई नंबर काटने का इनके पास स्कोप रहता है। तो इसमें आप इस पर ग्रामर तो पढ़नी है, और ग्रामर भी ऐसे नहीं कि एक दिन में पढ़नी है पूरी,
आपके पास खूब समय मिलेगा इसको पढ़ने के लिए, तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जैसे ब्लूम चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं एक दिन में याद कर लिए पूरे हो जाएंगे, याद व्याद तो कुछ होगा नहीं, जो आप पढ़ लोगे वो थोड़ी माइंड में सेट हो जाएगा, हाँ इसका ये पढ़ा था। तो डेली से एक आध घंटा पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें ग्रामर का, तो ये आराम से आपके कवर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें, पर इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको ग्रामर को छोड़ दिया ना तो यूँ समझ लो सिलेक्शन बड़ा टिपिकल है, तो ये ग्रामर वाले पार्ट में ध्यान देना ही है आपको। और दूसरा फिर इसमें सेक्शन बा या बी बीस है वो 50 मार्क्स का है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे टेंडर वगैरह है, निविदा जिसको बोलते हैं, तो ये निजी न्यूज़पेपर हैं शासन पत्र देने वास्ते, उसमें आते रहते हैं गवर्नमेंट्स के, दुनिया भर के आते हैं, हम भी निकालते हैं, सारे डिपार्टमेंट निकालते हैं, तो उनको एक बार देख लें, वैसे ही नज़र मार लें कि क्या भाई पैटर्न क्या उनका जो पैटर्न है ना क्या क्या है वो देख लें, यहाँ हेडिंग क्या लिखी हुई है, यहाँ डेट यहाँ यहाँ वो उसका नंबर क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ डेट लिखी हुई है, फिर कैसे राइटिंग है, लास्ट में कहाँ कहाँ क्या लिखा है, तो इस तरह से थोड़ा सा दो चार डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो तो डेली देख लोगे ना तो वो आ जाएगा क्या लिखना लिखते कैसे। ये किताबों में भी दे रखा होता है, लेकिन कई बार किताबों में आपका स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड रहता है थोड़ा सा, कई बार हल्की किताब ले आया किसी राइटर की तो उसमें वो सिंपल सिंपल बना देगा ऐसे ऐसे लिखना, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप जो चल रहा है ना वो लिखोगे ना तो मार्क्स अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। बुक्स सारे पढ़ते हैं बुक्स में से लिख, लेकिन उनको लगेगा ये अच्छा अलग से लिखा है, तो ये फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो निविदा वगैरह है ये आती है, तो ये सारी चीज न्यूज़पेपर से देख ले तो सही रहेगा, उसका जो कैसा फॉर्मेट है कैसे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ अच्छी रहेगी न्यूज़पेपर। बाकी इसमें एक 10-10 मार्क्स का हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने को आता है, इंग्लिश का हिंदी आता है, इंग्लिश का हिंदी आता है, इंग्लिश से हिंदी भी कन्वर्ट करने को आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जैसे प्राधिकरण अथॉरिटी आता है, तो अपन इंग्लिश में तो पढ़ते रहते हैं समझते भी, लेकिन हिंदी का उनका प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता, तो जब तक आप उसका प्रॉपर वर्ड नहीं लिखोगे तो उसमें मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें इतना हार्ड नहीं आते हैं, पर वर्ड्स थोड़ा सोच के लिखना है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही आते हैं अथॉरिटी वगैरह जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनका पूछ लेते हैं, उनके नाम्स वगैरह का हिंदी में अथॉरिटी डिसीजन और ये सब इस तरह से चीज़ें पूछते हैं, तो वो वैसे जनरली हो जाते हैं, थोड़ा पर प्रॉपर वर्ड लिखना उसको, यूँ नहीं कि ये पूरा एक लाइन कोई लाइन लिख दी, मतलब कि जगह कोई लाइन लिख दी पूरी, उनको प्रॉपर वर्ड चाहिए, वो ऐसे नहीं एक ये दो लाइन कुछ दो पॉइंट दो वो वर्ड लाइन लिख दी कोई एक वर्ड लिख दिया था अथॉरिटी टेक डिसीजन उनके डिसीजन ऐसे नहीं लिखना, प्रॉपर वर्ड चाहिए उनको, प्राधिकरण अथॉरिटी का प्राधिकरण लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। बहुत से हम अधिकार जैसे मैं खुद अधिकारिता लिखा आया था माइंड में नहीं आया था तो जीरो मार्क्स मिले उसमें, तो वो प्रॉपर वर्ड चाहिए उनको, तो ये चीज़ है ये ध्यान दे लेना। बाकी थोड़ा हिंदी में मार्क्स कम ही मिलते हैं, 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो हिंदी में तो यूँ समझ लो वो मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, मतलब टॉपर ही के आएंगे 70 मार्क्स, तो हिंदी में मार्क्स इसलिए आते नहीं क्योंकि भाई बहुत सौ की राइटिंग खराब होती है बहुत लोग। अब आगे की निबंध में, अब निबंध में क्या है एक चीज मैं बताना चाहूँगा, वैसे इन्होंने बताया है वीडियो में देखा है करीब 20 मार्क्स का निबंध रहेगा, 3-4 पेज दिए रहते हैं पीछे सब क्लास में रहता है, तो कई बार क्या होता है अपन लिख रहे हैं अपन लिखते जाते हैं वो पेज नहीं भरते आपसे, अपन प्रैक्टिस करते नहीं है, तो एक दो निबंध आप खुद लिख के देख लें, टाइम के हिसाब से लिख के देख लें, कोई भी टॉपिक ले लें, जनरल टॉपिक ले लें, दुनिया भर के चल रहे हैं आजकल कोई सा टॉपिक्स ले लें, और टॉपिक्स ऐसा आएगा जो आपने हाथ देखा हुआ है पढ़ा हुआ है वो ऐसा ही टॉपिक्स आएगा, जनरल जो चल रहा होता है वही आता है, जो अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं ना उनके टॉपिक्स आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको पहले से थोड़ा सोच लिया स्टेप्स वगैरह कैसे लिखेंगे और थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अपन इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश में लिखते रहते हैं, टेक्निकल पेपर इंग्लिश में लिखते हैं, तो अपने हिंदी को छोड़ जाते हैं, लेकिन जब आपको चार पेज दिख जाएंगे तो वहाँ आपको वर्ड्स नहीं आएंगे लिखें क्या, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार लिख के करें, ऐसे देख लें, देख लिया भाई हाँ भाई किताब में देख लिया ऐसे लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे, इसको आप एक दो बार लिख जरूर लें। मैं तो कहूँगा 8-10 अगर निबंध करंट इश्यूज के जो हैं ये पैराग्राफ निबंध वगैरह आप लिख लोगे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस का ही खेल है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर आप वहाँ घबरा गए और डर गए ना तो वहीं आपका माइंड खराब हो जाएगा, माइंड खराब हो जाएगा तो आप उल्टे सुलटे क्वेश्चन करोगे फिर किसी का आंसर, कुछ लोगों का काटापिटी करोगे, और काटापिटी जब काटापिटी होती है तो वो नेगेटिविटी को दर्शाती है, और काटापिटी हो गई नेगेटिविटी होगी तो एग्जाम में सोचता है कि ये बच्चा गया सही से नहीं लिखा इसने, क्योंकि अपन कॉन्फिडेंस होते हैं तो काटते नहीं, और काटापिटी में आपके मार्क्स मिलते नहीं है वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप हिंदी के पेपर में काटापिटी नहीं करें। जैसे कई बार क्या होता है हिंदी का चार पेज का पैराग्राफ है हिंदी के वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, अब उस जगह हमें कोई इंग्लिश का आता है तो अब स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करें कि वो जो इंग्लिश में लिखते हैं, कंपटीशन आ गया सपोज करो, अब किसी को हिंदी का इसका नहीं पता, कंपटीशन का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ
तो कंपटीशन को ही आप हिंदी में लिख लें, ऐसे कंपटीशन को हिंदी में लिख लें। मतलब मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, कोई भी चीज ऐसी आ जाए कि आपको नहीं पता हिंदी का, तो अब अगर आप गलत लिखने से बड़ा है, बढ़िया है, उसी वर्ड को आप हिंदी में लिख दें। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो पैराग्राफ स्टार्ट करो ना, तो स्टार्टिंग पेज में नहीं करें ये गलती, स्टार्टिंग में अब ऐसे वर्ड्स नहीं लिखें तो बेटर रहेगा, नहीं तो उसको पता लग जाएगा कि इसको हिंदी वर्ड्स ही नहीं आते और ये ऐसे लिख रहा है। तो वहाँ स्टार्टिंग में ना लिखें, लास्ट में आपका जब स्पेस को पूरा करने के लिए आप ऐसे यूज कर लें। अब ऐसे भी नहीं कि एक लाइन में पांच लिख दिए, ऐसे ही वो पूरा इंग्लिश में ही लिख दिया, इंग्लिश के कोई हिंदी में लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। एक आध वर्ड का कह रहा हूँ मैं, बीच बीच में भूल जाते हैं, तो ऐसा लिख दें, पर स्टार्टिंग में नहीं करें, लास्ट में ही करें इसका प्रयोग, और गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ये तो हिंदी का हो गया, पर ये बहुत लोगों को फेल कराया है लास्ट में। तो अभी सोशल, अब मैं एक सोशल एस्पेक्ट का मैं फास्ट बता देता हूँ, सोशल एस्पेक्ट का क्या कहना है। देखो तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसका सोशली कैसे इंपैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान देना, बाकी इन्होंने मैटर प्रोवाइड किया है, ये पढ़ाएंगे, और ये मैटर इन्होंने जो बताया पहले बताई दिया है, मैटर इन्होंने लिया है। सोशल एस्पेक्ट में ये ध्यान रखना, इसमें 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 आपको कॉपी खुली नहीं छोड़नी, क्योंकि इसमें मार्क्स का पता नहीं रहता, क्वेश्चन सही लिख रहे हैं गलत लिखे हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन अटैप्ट करने हैं और सब लिखना है। इसमें बहुत से जैसे न्यूज़पेपर में शॉर्ट फॉर्म आएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, NRWDP आ गया, कुछ भी आ गया, तो न्यूज़पेपर में जो पढ़ते रहते हैं तो उनसे हो जाती हैं। पर ये चीज़ें, इस पेपर को खाली नहीं छोड़ना कॉपी, इसमें भरना ही है, क्योंकि आधा नंबर मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तो भी वो एड ऑन ही होगा। तो ऐसे करके करना। थैंक यू, बाकी कोई क्वेरी होगी तो बताना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।